चलो बताओ गरिमा जी, कैसी हो आप? बढ़िया एकदम। हाँ सर। अच्छा, तो आपने कहा कि आप हरियाणा से हो अभी, लेकिन आप बेसिकली यूपी से हो, यस सर। है ना? तो कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? एनएम ग्रीन वैली बलौदा। अच्छा, और 10th की जर्नी कैसी रही आपकी? 10th में स्टार्टिंग में जैसे कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफी डिस्टरबेंस था, मतलब आउटसाइडर्स का जूम मीटिंग में आना और डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, तो मैं काफी टेंस था कि बोर्ड है और टीचर्स हमसे बुला नहीं पा रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो कैसे होगा। फिर मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को वेदांतु प्रेफर किया कि आप वेदांतु ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपका ऑनलाइन क्लासेस, जब आपको ऑनलाइन लेने में कंफर्टेबल हुआ तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो फिर लेकिन जब मैंने वेदांतु स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो मुझे लगा पता नहीं मैं इसको कंटिन्यू करूँगा या कॉप अप नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं ज़्यादातर बच्चे, लेकिन मेरे को अपने कम्फर्ट जोन में रहना भी पसंद है, तो मुझे ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, जब मैंने धीरे धीरे वेदांतु के साथ अपना स्टार्ट किया, मैं 1 मंथ लेट ज्वाइन किया था, जैसे मार्च में बैच स्टार्ट था तो मैंने अप्रैल में जाकर ज्वाइन किया था, तो मेरा 1 मंथ का थोड़ा सा डिले था, लेकिन फिर मैंने वो कवर अप करके फिर मेरा हो गया था मतलब अच्छे से, और फिर मेरे को इतनी टेंशन नहीं थी, मतलब एंड तक मैं इसी सहारे में था कि मैं वेदांतु की मैराथन ले रही हूँ, और वहाँ पे ऐप में मेरी क्लासेस हैं, रिविजन के मार्क्स भी क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, तो मैं फुली प्रिपेयर हूँ। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप यू नो ऑनलाइन लेने वाली हो करके आपके पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने मान लिया, क्योंकि आपने जैसे कहा ऑफलाइन प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स भी, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी ऑफलाइन प्रेफर करते हैं ज़्यादा, तो ऑनलाइन लेने में बोला तो उन्होंने सपोर्ट कर लिया आपको? जैसे मेरे पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है और टीचर्स के पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है, इट डजंट मैटर कि टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहा है या ऑनलाइन पढ़ा रहा है। और वैसे भी जैसे स्टार्टिंग में जैसे क्लासेस हुई थी, डेमो क्लासेस हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ बैठे ली, तो उनको भी काफ़ी पसंद आई, तो उन्होंने फिर तभी इनरोल बनाया। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। तो आपका आपने कौन से सब्सक्रिप्शन लिया था हमारे साथ? प्रो लाइट सब्सक्रिप्शन लिया था आपने, 1 साल वाला, करेक्ट? 10th ग्रेड के लिए पूरा लाइव क्लासेस के साथ। यस सर, बट अब जैसे जैसे मैंने 10th ग्रेड पास आउट किया तो फिर मुझे लगा कि यहाँ से बेस्ट कोचिंग मुझे नहीं मिल सकती, तो फिर मैंने वो एक्सटेंड करा के 3 इयर्स का कर दिया, अब मैं 12th तक नहीं थी। अरे थैंक यू सो मच गरिमा जी। और हमारे साथ क्या पढ़ रही हो आप, जेई पढ़ रही हो, नीट पढ़ रही हो? जेई सर। जेई पढ़ रही हो, तो मतलब बनना क्या आपको आगे जाकर? मेन फोकस तो मेरा एनडीए एग्जाम के ऊपर है, मुझे मतलब ये डिफेंस सर्विसेज ज्यादा अच्छी लगती हैं, और जेई के साथ बैकअप एक है। क्या बात है, और डिफेंस सर्विस में आप क्या चूज करना चाहोगे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स? नेवी। नेवी चूज करना क्यों, एज क्यू इंटरेस्ट नेवी में अचानक से? सर एक तो वो शिप्स बहुत फैसिनेटिंग होती है, काफी बड़ी होती है, और वहाँ पे मतलब वो जैसे एयरफोर्स वगैरह में मेरे को इतना लगता नहीं है कि मेरी हाइट में वहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल फिटनेस इशू आ सकता है, लेकिन नेवी में इतनी फिटनेस प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और एक इंटरेस्ट होता है अंदर से, लगता है कि हाँ मैराइन लाइफ इज सच अ ब्यूटीफुल लाइफ, तो इसलिए मेरे को उसी के साथ जाना पसंद है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो आगे जाकर आपको हम ऐसे नेवी ऑफिसर देखेंगे, है ना? आपके अरे बिल्कुल बिल्कुल, फोटोज भेज देना मुझे इंस्टाग्राम पे या तो फिर ईमेल पे, हम आपका फिर पब्लिश कर देंगे, हमारे पेज पे डाल देंगे, हमारी बच्ची जो नेवी में जुड़ी है, मजा आ जाएगा देखकर, है ना? क्योंकि हमेशा हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स की फोटो डालते हैं, आपका भी डालेंगे, हम जरूर डालेंगे, है ना? मुझे एक बात बताओ, तो आपने टर्म 1 में 99% के आसपास यू नो लाया है, है ना? और टर्म 2 में भी आप 99 या 100 के आसपास एक्सपेक्ट कर रही हो, करेक्ट? तो इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके हिसाब से आपने ऐसा क्या किया जो ये मार्क्स आपको मिल पाए हैं या तो मिले हैं? सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे क्या होता है मगअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी, फिर असाइनमेंट सॉल्व करने थे, रेगुलर टेस्ट होते थे, तो सारा कॉन्सेप्ट आपस में रिवाइज हो जाता था पहले से, फिर अगर लगता था कि अगर ये वाली कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा सा वीक है, आपने टेस्ट दिया और आपको पता लगता है कि यहाँ पे मेरे मार्क्स कम है, तो वापस आपने डीपीए देखा, फिर आपने एक टेस्ट और अटेम्प्ट किया, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, तो रेगुलर जो होता है ना वहाँ से एक रेगुलर पढ़ाई होती है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो या आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं आती, वहाँ पर ना रेगुलर नहीं होता, कभी ऑफलाइन टीचर छुट्टी कर देता है तो कभी बच्चे कर देते हैं, या फिर हम अगर सेल्फ स्टडी की सोचते हैं तो हमारे पे भी एक प्रॉपर प्लान नहीं बनता कि हम कितने से इतने बजे तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको आपको पता है कि आपकी क्लास इतने बजे शेड्यूल है और वहाँ पे आप तो मास्टर टीचर आएंगे या तो
जो आपको रेगुलर कराते हैं वो आएंगे, और अगर इनकेस अगर इमरजेंसी है तो कोई सबसे किसी टीचर आके दे देते हैं क्लासेस, तो वहाँ मिस नहीं होती, तो वो रेगुलरिटी भी बनी रहती है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्या बात है, मतलब ना मैं बताऊँ आपको, मैंने अभी दो तीन बच्चों का इंटरव्यू ले लिया है, एंड आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट कि भाई सबसे ज़्यादा वेदांतु के फीचर्स को यूटिलाइज करने वाली इंसान आप ही थी, ठीक है, मतलब यू सेड इट वेरी वेरी क्लियरली कि रेगुलर क्लासेस होते हैं और हम बहुत डिसिप्लिन से मेंटेन करते हैं शेड्यूल को, हम छुट्टी वगैरह लेते नहीं पहले, तो छुट्टी ले भी लेते हो, एक इमरजेंसी टीचर आके वो पढ़ा जाता है, आपका आपका नुकसान कुछ नहीं होता। एंड फिर आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात कही जो क्लास के अंदर हो जाती है, रेगुलर टेस्ट आ जाता है, आपने रिप्लेस भी देख लिया था कि आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाए। अच्छा मुझे बात बताओ, तो आपको वेदांत का सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा? लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर व्हेन दे आर टेकिंग द क्लासेस, लाइक दे कैन अनकैम एंड अनम्यूट द स्टूडेंट एट एनी टाइम दे वांट, एंड ऑफ कोर्स द लाइव डाउट सपोर्ट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक इफ द टीचर इज नॉट एबल टू अनकैम और अनम्यूट यू, सो यू कैन आल्सो आस्क योर डाउट फ्रॉम द क्लास टीचर, सो यू आर नॉट वरीड अबाउट लाइक टीचर हैज नॉट अनम्यूटेड मी और अनकैम मी, सो माय डाउट विल रिमेन डाउट ओनली, यू कैन आल्सो आस्क द क्लास टीचर। क्या बात है, तो मतलब क्लास टीचर्स एंड द मास्टर टीचर्स ऑल टुगेदर दे आर वेरी एफिशिएंट टू सॉल्व द डाउट्स। क्या बात है, आपके फेवरेट टीचर कौन थे फिर 10th में? अच्छा शुक्रिया, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ये था कि मेरे को आपका ही बेस्ट मिलेगा, लेकिन किसी ने देखा तो इस वजह से मुझे आपका बैच नहीं मिल पाया, मुझे दूसरे बैच से शिफ्ट कर दिया, और मेरे जो बेस्ट टीचर थे उसमें मुझे सारे मास्टर टीचर बहुत अच्छे लगते थे, और शिवम सर जो हमारे मैथ्स के टीचर थे वो उन्हें तो मुझे बेस्ट लगते थे, क्योंकि वो मैथ्स जो होता है थोड़ा सा थ्योरम वगैरह जो होती थी वो उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते थे कि हमें ना उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक बार समझ लो वो आपको वहीं समझ में आ जाता है। क्या बात है, शिव गुप्ता सर इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट टीचर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मुझे बात बताओ, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपका ध्यान ज़्यादा रहा था और आपने बहुत क्लियरली कहा कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपके डाउट्स भी कम आएंगे, लेकिन जब भी कोई कोई डाउट्स आ जाते थे तो उसको आप कैसे डील करते, क्योंकि आपके जूनियर्स जानना चाहते हैं, उनके पास बहुत डाउट्स डाउट्स आने वाले हैं, अभी उनका भी टर्म वन होगा, उनका भी टर्म टू होगा, तो आपके आपके लिए उनकी तरफ क्या टिप्स है डाउट सॉल्व करने के लिए? Doubt solving is part there. So when a particular topic is completed, you have to start practicing the same question at the same very same day. Like if in physics we have studied Ohm's law, so we need to study at least 10 to 20 questions on Ohm's law. Then we get to know about the problem. Like I am having percentage, I am having problem in the formula derivation or power derivation or something like that. So when you get those doubts, so our first focus is try to solve that out by your own, but if you feel like I'm not able to understand it, then again go to the replay. Or so I try my level best to never have a doubt. I try to get the doubt resolved by myself only, but if in case it remains, so I ask to the master teachers at the very same day only, or I don't let my doubts remain unsolved for long time. Kya baat hai, fantastic. So if I ask you to your juniors, if you have to give one tip जो उनको 10th grade में definitely follow करनी चाहिए, वो शायद वो एक गलती हो सकती है जो आपने किया, तो एक अच्छा step हो सकता है जो आपने follow किया, what would be that tip? Focus on conceptual clarity. If clarity and practicing the question. Focus on the concept clarity and then once you understand that, go forward for practicing the questions. Right? Yes. Fantastic. And for the exams, it's very important to check your time at time speed also, because in the exam students get panic. Correct. Even I also face that same situation when both teachers are there in front of you and you have to write the board exam. Even you know the answer, right, but you forget the answer. Right. So at that time you have to tell yourself that you have prepared from the best teachers, right, and you are now all set for the exam. So don't get panic, right, and then solve the exam. Fantastic. Before solving the exam, you have to solve at least 2 to 3 mock test papers by locating your time, so that in the exam you have a confidence that I had already solved these types of paper, right, and in much less time. So right, when it was my turn to also, I also prefer for the YouTube shared sample papers that you all teach on the YouTube. So I attend all the 3 to 4 sample papers that you shared. So I always locate my time and I say to my mom, like, I have completed this paper in just 1.5 hours. Can you imagine? Yeah. Now it's a 2 hour paper and I have solved it in 1.5 hours. If I get panic for 15 minutes,
then still I have 15 minutes for revising. So like that, I keep locating my time. क्या बात है, वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट टू ऑल योर जूनियर्स, आई एम प्रीटी श्योर दे आर वेरी हैप्पी विद इट. मेरे को एक और सवाल पूछना है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे शायद पूछना चाहते हैं, यू नो, आप जैसे अमेजिंग स्टूडेंट से. द क्वेश्चन इज कि आप लोग नाइन्थ ग्रेड तक एग्जामिनेशन देते आते हो, है ना, टेंथ में भी आपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन दिया हुआ है, बट वॉट इज दैट फीलिंग वेन यू एंटर इन टू द बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर एंड यू स्टार्ट राइटिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जामिनेशन यू हैव रिटन बिफोर? The paper is not so very different. It's just our mentality, and the mentality is because of our social environment around us. Like our relatives keep on asking, when is your board exam? Are you prepared for it? I don't think so. You can score good or bad. Then they start judging us. Right. And we all have that fear that if we won't perform good, then what would happen? All will look me like a loser in the society. And even the there is a pressure from parents also. They start comparing you. But right. In my case, it was not that. My parents always support me. They always told me that whatever marks you gain, we don't care about it. Right. We just want you to gain knowledge. And as we have seen you working hard, late nights and early morning, so we are very much confident that you are going to score good. And if not, no problem. We are here with you for the rest of the life. It's just a sheet of paper. It's not going to decide your whole future. So don't think about it. And I would like to say to all the students that are going to give their board exams in the upcoming years that we just have to console ourselves that no one else is going to judge you. Or if they will judge you, that then their judgment doesn't matter more. Right. For example, if you're not scoring good in board examination or prep board examination, but you have cracked JEE. So all their judgments will get closed up at a single time. Right, fantastic. So don't think about them, just think about yourself, your parents. And I believe that most of the parents are, nowadays most of the parents are caring and they don't try to compare this child. So that's all. That is so true, Garima. Thank you so much. Like, I really feel like talking to you more, definitely. There is a lot of insights coming from you, and I think it's very useful for all the kids out there. I love the way you said that. So I'm assuming ki aapne apne relatives ka jo bhi baatcheet hua tha, wo sab ko filter out karke apne kaam pe focus kiya. And one of the major reasons was ki you were working hard and your parents were really supportive to you. Yes. Correct. That's a very courageous thing which you have done. And thank you so much for that amazing tip which you have given to the juniors. I really love the fact. I really wish we could speak more, but I think the time is up for us. And baat kare bahut acha laga. And abhi aap NDA karne ja rahi ho, and I'm really, really, really wish you all the best. And thank you so much, yeah, Garima, for spending this time with us. It really means a lot. All the best for your, 10th board results. And I really believe that you will get the expected marks, maybe more than that. Thank you so much for that.